Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कंपैरिजन वीडियो. सो आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ गाइस एरोमा मैजिक के टोनर को, एल्फ गुडनेस एंड गुड वाइब्स, इन तीनों को मैं कंपेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है. सो यस, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में जो बेल आइकन है प्लीज उसको भी हिट कर दीजिए. हम बात कर लेते हैं कि टोनर बेसिकली क्या होता है, क्यों हमें यूज करना चाहिए. मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि दी हमारी एज इतनी हो गई है, क्या हमें टोनर यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो गाइस बेसिकली हमें फॉलो करना चाहिए सीजीएम रूटीन. क्लींजिंग मतलब फेस को क्लीन करना है, सीजीएम सी मतलब क्लींजिंग का मीन्स होता है कि फेस को क्लीन करना है. तो जो भी फेस वॉश आपको सूट करता हो अपने स्किन टाइप के हिसाब से, लाइक अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो उसी हिसाब से आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज करने की जरूरत है जिससे कि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाए. फेस वॉश आप दिन में दो बार कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंड नाइट में. ओके, उसके बाद बात करते हैं गाइस टोनर की. टी मतलब टोनर होता है. तो टोनर बेसिकली क्या होता है गाइस कि आपके जो पोर्स साइज होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं यार हमें तो पोर्स की इश्यू ही नहीं है तो हम क्यों यूज करें. अगर आपको नहीं है गाइस तो इन फ्यूचर हो सकती है, तो बेटर आप यूज कर लीजिए. नहीं तो आप डाबर गुलाबी भी यूज कर सकते हो, तो बहुत नॉर्मल होता है. बट स्टिल एक टोनर की बात करो तो टोनर गाइस आपके पोर्स को ना बहुत ही मिनिमाइज कर देता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो. उसके अलावा जो भी उसमें क्लेम्स मेंशन होते हैं वैसा वो वर्क करता है. ठीक है, कुछ अच्छे ब्रांड होते हैं, कुछ नहीं भी करते. बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम टोनर का होता है कि पोर्स को आपके को मिनिमाइज कर दे. फेस का जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है. हर चीज का एक पीएच लेवल होता है गाइस, और उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है. तो टोनर बहुत अच्छे से काम करता है आपकी स्किन के लिए. ठीक है, तो हमने क्लींजिंग कर ली, टोनर अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप देन कोई भी अच्छा खासा अपना मॉइस्चराइजर जो भी आपको पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हैं. तो टोनर को हर किसी को अप्लाई करना चाहिए. बात करो एज ग्रुप की, तो अगर आप 18 प्लस हो जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं. बाकी स्किन केयर रूटीन तो कोई भी फॉलो कर सकता है, उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है. बट फिर भी अगर आप 18 प्लस हो जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं अच्छा खासा स्किन केयर रूटीन. बाकी फेस वॉश और मॉइस्चराइजेशन ये सब तो नॉर्मली हर किसी को ही करना चाहिए. तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. सो गाइस अब मैं बात करूंगी इनके प्राइस की, एंड सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो गाइस प्राइस का क्या है, थोड़ा सा इशू है. जैसे कि इसमें 120 ml आता है और 200 ml भी आता है, तो तीनों में 200 ml भी आता है और 120 ml आता है एक में और एक में 100 ml आता है. तो मैं उस हिसाब से कंपेयर ना करके जो 200 ml की इनकी पैकेजिंग आती है उसके प्राइस कंपेयर करने वाली हूँ. आई होप कि क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. तो जो 200 ml की पैकेजिंग आती है तीनों की, उनका प्राइस को कंपेयर करूंगी. तो गाइस सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं गुड वाइब्स के टोनर की. तो गुड वाइब्स का जो टोनर है गाइस, इसका जो प्राइस है 200 ml का वो है 225, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. ठीक है, ये इसका प्राइस है. अगर बात करें गाइस एरोमा मैजिक की, तो जो एरोमा मैजिक का जो प्राइस है, ये मेरे पास जो वेरियंट है गाइस वो है एरोमेटिक स्किन टोनर. ओके, तो इस वाले का जो प्राइस है 200 ml का वो है 210 rupees, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा. अब बात करते हैं गाइस एल्फ गुडनेस की. इस टाइप की कुछ इसकी पैकेजिंग आती है, एंड इसका जो 200 ml का आता है इसका प्राइस है 195 rupees. तो सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल है गाइस वो है एल्फ गुडनेस, बिकॉज इसका 195 प्राइस है. वैसे तो सभी पे डिस्काउंट रहता है, बट स्टिल ये सबसे अफोर्डेबल है. ओके, तो यहाँ पे इसको एक पॉइंट मिल जाता है. बात करते हैं पैकेजिंग की, तो सभी की स्प्रे फॉर्म में है पैकेजिंग, और पैकेजिंग मुझे सभी की बहुत ज्यादा पसंद आई है, ये आप देख सकते हो. ठीक है, और गाइस अगर बात करूं कि सबसे अच्छी क्यूट पैकेजिंग, ये कंपैरिजन में नहीं है बट एक नॉर्मली मैं बता दूं, तो क्यूट सी पैकेजिंग ना मुझे गुड वाइब्स की लगती है. लाइक कि आप देख सकते हो गोल्डन कलर का, और बहुत ही स्टडी एंड बहुत अच्छी पैकेजिंग है. जबकि इनका अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है यार ये इतने स्टडी नहीं है, ये ब्रेक भी हो सकती है इनकी पैकेजिंग. ये मुझे काफी स्टडी लगता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है देख के, रखा हुआ भी काफी अच्छा लगता है कंपेयर टू दीज. ओके, सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको इनमें कितने वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे. सो जो गुड वाइब्स का टोनर है गाइस, ये जो मेरे पास है ये है ग्रीन टी वन, एंड इसमें आपको 20 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं. लाइक 20 तरह के टोनर आपको मिल जाते हैं गुड वाइब्स में, हनी, सिनेमन, एवोकाडो, ग्रीन टी, तुलसी, रोज हिप, बहुत सारे 20 वेरियंट्स गाइज बहुत ज्यादा होते हैं. तो 20 वेरियंट्स मिलते हैं, और 20 के 20 में गाइज आपको पैकेजिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं. लाइक एक आपको 120 ml की भी पैकेजिंग मिलती है, और एक आपको 200 ml की भी पैकेजिंग मिलती है. ये है 200 ml की पैकेजिंग, और इससे मिनी भी आपको मिल जाते हैं. पहले आप मिनी को भी ट्राई कर सकते हैं, देन फुल साइज के लिए जा सकते हैं. तो 20 वेरियंट्स, 20 के 20 में आपको साइज के ऑप्शन भी मिल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं एल्फ गुडनेस की. सो मेरे पास जो वेरियंट है वो है गाइज क्यूक्यूम्बर,
और इसमें गाइज आपको टोटल 8 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, इसमें भी तुलसी, सिनेमन ये सब है, तो टोटल आपको 8 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइज 8 के 8 वेरिएंट्स में आपको साइज ऑप्शन नहीं मिलते हैं। इसमें आई गेस 3 या 4 ऐसे वेरिएंट है जिसमें आपको 2 साइज के ऑप्शन मिलते हैं। पहले आप 100ml परचेज कर लो, देन आप 200ml परचेज कर लो। ये जो मेरे पास है ये 100ml है, ठीक है। बट कुछ ऐसे जो है यू नो वेरिएंट जिनमें आपको साइज के ऑप्शन नहीं मिलते, आई गेस जो बेस्ट सेलर होगा उसमें साइज के ऑप्शन है, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बिकॉज ऐसा होना चाहिए कि सभी डोनर के साइज ऑप्शन मिलने चाहिए, जैसे कि पहले मिनी ट्राई कर लो देन फुल साइज में जा सकते हो अगर अच्छा लगता है तो। अब बात करते हैं गाइस ये एरोमा मैजिक का जो टोनर है, इसमें मेरा जो वेरिएंट है गाइस एरोमेटिक स्किन टोनर, और ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए। ओके, तो गाइस इसमें आपको टोटल मिल जाते हैं 4 वेरिएंट्स। ओके, जिसमें से एक है हेयर टोनर, तो उसको तो हम साइड करते हैं, बाकी इसमें 3 ही वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ये जो एरोमेटिक वाला वेरिएंट है इसमें आपको 2 साइज के ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी जो इसके 2 वेरिएंट है रोजेप एंड मोरिंगा उसमें आपको सिर्फ 100ml की क्वांटिटी ही मिलती है, जिसका प्राइस है 140 रुपीज। ओके, और इसमें आपको 2 साइज के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। सो गाइस अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वेरिएंट्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं, तो गाइस वो है गुड वाइब्स का टोनर। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं, जो भी आपके स्किन इशू आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। 20 वेरिएंट बहुत ज्यादा होते हैं सीरियसली, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गुड वाइब्स को गाइस मैं यहाँ पे 1 पॉइंट देना चाहूंगी, तो अभी गाइस एल्फ गुडनेस और गुड वाइब्स के पास 1-1 पॉइंट है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं गाइस ये जो टोनर होते हैं बेसिकली गुड वाइब्स का जो टोनर है वो अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। वहीं अगर हम बात करते हैं एल गुडनेस की, तो अगेन ये भी पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। और ये जो एरोमा मैजिक का जो टोनर है ये भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि जो पर्पल है उसके सब ब्रांड्स है, लाइक कि एक ही कंपनी में पकते हैं टाइप, आप समझ रहे होंगे। तो वो चीज है कि एक ही किचन में सारा माल पकता है, फिर अलग अलग पैकेजिंग कर दी जाती है, तो वो चीज है इनकी। सो गाइस अगर हम बात करें तो इसमें बैक पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मिल जाती है, तो ये अच्छा है क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि यार इसमें क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि सही है और आपके स्किन को सूट करते हैं या नहीं करते। और जो हमारा यू नो ये वाला टोनर है एल्फ गुडनेस का, इसमें भी आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाती है, तो ये अच्छी है। सो गाइस इसमें भी आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाती है। और गाइस सबसे अच्छी बात मुझे जो इस वाले टोनर की लगती है कि ये कलरलेस है और फ्रेग्रेंस लेस भी है, बट इसके अंदर एक अलग सी फ्रेग्रेंस तो है। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन स्टिल इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, कलरलेस तो आपको दिख ही रहा है। वहीं जो गाइस ये गुड वाइब्स आई मीन जो एल्फ गुडनेस का, इसमें कलर है, और स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कलर या फिर फ्रेग्रेंस ना ही हो तो बेटर है। ना तो अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ना गंदी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस लेस होने चाहिए। ये तीनों ही टोनर अल्कोहल फ्री है, तो ये चीज बहुत अच्छी है, आप इनको डेली यूज कर सकते हो। एज अ फेशियल मिस्ट ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे, लाइक एज अ टोनर तो बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे, बट एज अ फेशियल मिस्ट भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। दिन में आप कितनी भी बार इनको यूज कर सकते हैं। तो गाइस इनके जो स्प्रे फॉर्म में आता है ना, ये बहुत ही ईजी होते हैं, लाइक ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे तीनों ही टोनर बेस्ट लगे, क्योंकि तीनों की पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, यू नो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली। सो गाइस अब बात करते हैं कि फ्रेग्रेंस की, वैसे तो इसमें मेंशन था ये फ्रेग्रेंस लेस है एरोमा मैजिक का, बट स्टिल इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस है एंड बहुत अलग सी अजीब सी फ्रेग्रेंस है, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड वहीं अगर बात करें गाइस एल्फ गुडनेस की, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर है, इसकी भी मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगी, लाइक बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करवाती है। और गाइस अब बात कर देंगे वर्क की, वर्क के हिसाब से हम बताएंगे कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। तो वैसे तो गाइस तीनों ही बेस्ट है, लाइक तीनों अच्छा वर्क करते हैं, नो डाउट। लाइक आपके पोर्स को टाइटन अप करते हैं, आपके स्किन में ग्लो प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसमें मेंशन है अगर आप एक्ने इश्यूज के लिए लेते हो तो उस हिसाब से वर्क करते हैं, तो इनके जो क्लेम्स है उस हिसाब से वर्क भी करते हैं, तो मुझे तीनों ही बेस्ट लगे उस हिसाब से। तो गाइस तीनों में से सिर्फ एक ही चूज करूं तो वो होगा गाइस ये एल्फ गुडनेस का टोनर, ये सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और इसके मुझे रिजल्ट सबसे ज्यादा जल्दी देखने को मिले। लाइक इसको यूज करने के बाद मेरे पोर्स बहुत अच्छे से टाइट हो गए थे, एंड इसको जब भी मैं यूज करती हूँ बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। वही चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी इसकी तरफ, क्योंकि इतना यूज करते आपको इतना ठंडा रिफ्रेशिंग सा फील होता है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा सा यूज किया अपने स्किन पे। जबकि इन दोनों को यूज करके, लाइक इसको यूज करके भी अच्छा लगता है, बट इसको यूज करके ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यूज कर लिया है,
इतना अच्छा मुझे ये नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक। बाकी पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, अल्कोहल फ्री तो तीनों ही हैं, लेकिन तीनों में से जो बेस्ट लगा गाइस वो मुझे एल्फ गुडनेस का लगा है। बिकॉज इसको यूज करते आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सूदिंग है, बहुत ही अच्छी है, वर्क बहुत अमेजिंग करता है। जो मेन होता है वर्क या पोर्स अपने टाइट हो जाए तो पोर्स बहुत अच्छे से टाइट होते हैं, आपको एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है। पैराबिन वीडियो का जो विनर होने वाला है वो है एल्फ गुडनेस का टोनर। आप एल्फ गुडनेस के टोनर को प्लीज ट्राई करके जरूर देखना। लाइक मुझे पहले मैंने गुड वाइब्स का टोनर ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने सोचा कि और भी ट्राई करने चाहिए पर्पल से। फिर मैंने एल्फ गुडनेस को ट्राई किया, ये मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया। फिर मैंने सोचा कि एरोमा मैजिक का ट्राई करते हैं, ये मुझे इतना खास नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट लगा वो यही है और यही आज के कंपैरिजन वीडियो का विनर है। तो अगर आपने एल्फ गुडनेस का टोनर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई करके जरूर देखना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। लाइक बेस्ट वाला टोनर है, मन कर रहा है कि इसको स्प्रे कर लो। फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। सो या आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। सो मिलते हैं गाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।